हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के बारे में। एसएससी सीएचएसएल 2019 की जो फाइनल वैकेंसीज अभी आई है, जिसमें कि कुछ घटौती हुई है, यानी कि कुछ कमी हुई है। ठीक, पहले ये टेंटेटिव वैकेंसीज थी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और डीवी के बारे में, डीवी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चला है, और जो वैकेंसीज है उसके अनुसार इसके फाइनल कट ऑफ पे क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में। सीएचएसएल टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो सीएचएसएल ईयर 2019 की है, जो कि पहले आई थी। यह फाइनल वैकेंसीज है जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा है। यदि बात करें तो टोटल वैकेंसी आपको 4893 वैकेंसीज जो थी, टेंटेटिव वैकेंसीज जो कि दिया गया था, अब फाइनल वैकेंसीज यह घट के 4684 हो गई है। लगभग आपको 200 के करीब में आपको वैकेंसी डिक्रीज हुई है। तो इसका असर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका असर आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। ये टेंटेटिव वैकेंसीज दिया जाता है और बाद में बढ़ने की बजाय अब घट जाती है, तो ये काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही हो रहा है अब एसएससी में। बात करते हैं कि इसका जो एसएससी सीएचएसएल का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था, तो 1388 जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 2019 में, और यह जो रिजल्ट है यह 2018 का है, जबकि 17,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आपको स्किल टेस्ट में। अब वैकेंसीज जो डिक्रीज होके आपको हो चुकी हैं, या 4800 से 4600, मतलब कि 4700 के करीब में यह वैकेंसीज आपको हो चुकी है। तो यह इसका असर आपको देखने को मिलेगा जरूर फाइनल कट ऑफ पे। जिन भी कैंडिडेट, इसके लिए मैंने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताया था, तो उसमें अब कुछ कमी कट ऑफ में कुछ अधिकता होगी, यानी कि कुछ कट ऑफ में मार्क्स आपके इंक्रीज होने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा सा असर है। जब इतने कैंडिडेट आपको सिलेक्ट हुए हैं, 13,000 कैंडिडेट आपको सिलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के बाद डीवी के लिए, डीवी में लगभग 2,000 के करीब में प्लस कैंडिडेट जो है वो डीवी करने नहीं जाते हैं या फिर किसी रीजन से छोड़ देते हैं, तो लगभग आपको ये मान के चले कि 10,500 आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे डीवी के बाद। डीवी के बाद 10,500 कैंडिडेट, और आपके टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो आपकी टोटल वैकेंसीज है 4700 लगभग, यानी कि 4600 जो टोटल वैकेंसीज थी 82। तो और जो वैकेंसी डिक्रीज हुई है, यानी कि एक स्टूडेंट पे बात करा जाए तो लगभग आपको लगभग 2.5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यदि 10 वैकेंसीज डिक्रीज होगी तो आपको 25 कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ेगा। यदि 100 वैकेंसीज डिक्रीज हुई है तो 250 कैंडिडेट को बाहर होना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका असर आपको जरूर कट ऑफ पे देखने को मिलेगा, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। यहाँ पे यह भी बात करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सॉरी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में और सीएचएसएल 2019 के कट ऑफ के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था और इसके फाइनल कट ऑफ को देखा था। तो यदि टीयर 1+2 के स्कोर कार्ड यहाँ पे देखे कट ऑफ, तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 222.7 कट ऑफ किया था, और मैंने पिछले वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज के अनुसार आपको कुछ अधिक देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए जैसे मैंने 229 बताया था, अब यह 230+ हो जाएगी, यानी कि 230+ आपके मार्क्स बन रहे हैं, 232, तो आपके जो है वो 100% चांसेस है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, आप सिक्योर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी वही मार्क्स रहने वाला है, ज़्यादा इसमें कमी नहीं देखने को मिलेगा, 229 से 231 के बीच में आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा मिनिमम, यानी किसी भी पोस्ट के लिए, जो कि आपको पीए ऐसे के लिए जो कट ऑफ जाता है, एलडीसी का कट ऑफ कुछ अधिक जाता है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो इसमें भी ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 228 से 230 के बीच यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तभी आपके फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, इसके लिए आप श्योर रहें, 100% श्योर रहें। इससे कम होगा तो आपके चांसेस नहीं है, इससे ज़्यादा है, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, इससे एक नंबर भी कम बेशी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करें यदि, तो एससी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको 220+ मार्क्स बनेंगे तभी जाके आप जो है फाइनल सिलेक्शन कर पाएंगे। किसके, तो वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैं यह सारी बातें बोल रहा हूँ। और एसटी कैटेगरी के लिए भी आपको 280 to 220 मार्क्स होने चाहिए तभी फाइनल
सिलेक्शन में आपका जो है कोई एक पोस्ट मिल पाएगा। तो इस वीडियो में यही बात करना था वैकेंसीज के बारे में। और रही बात डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, उसका PDF डाउनलोड करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1। यहाँ पे मैं डेली अपलोड कर देता हूँ। इस फॉर्मेट में आपको काफ़ी इससे बहुत सारे वोकैब्स जो है वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में, इसके साइनोनिम भी मैं इंक्लूड किए रखता हूँ, तो डायरेक्ट यह पूछा जाता है। तो आप इसे डेली पढ़ते रहेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही था इस वीडियो में। तो DV कंप्लीट हो जाने के बाद कितने कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, RTI के बाद जो रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग भी मैं यहाँ पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।